अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ठीक है बेटा, इधर आ। दादी, आज हरियाली तीज का पहला दिन है, तो आज के दिन हरा ही खाना चाहिए। तुम जग्गू के लिए पालक का सूप बना देना और मोहल्ले की औरतों के लिए हरे भरे कबाब। ठीक है दादी, हम सब्जी मंडी जाके ताजी सब्जियां लेकर आ जाते। हाँ दादी, मुझे मिठाई की लिस्ट दे दीजिए और क्या क्या चाहिए वो भी बता दीजिए, मैं जा रहा हूँ तो ले आऊंगा। अरे हाँ, मिठाइयाँ भी तो लानी थी। दिव्यम, तुम एक काम करो, पहले तुम राधिका के साथ सब्जी मंडी चले जाओ, फिर आते आते मिठाइयाँ लेके आ जाना। दादी, लेकिन सब्जी मंडी दूसरी ओर है और मिठाई की दुकान यही नजदीक में है, राधिका चली जाएगी अकेली। हाँ दादी, हम चले जाएंगे। देखो दिव्यम, मौसम भी खराब होने वाला है, राधिका अगर बारिश में फंस गई तो शाम की पूजा के लिए देरी हो जाएगी। तुम दोनों साथ में चले जाओ और झट से काम करके फट से वापस आ जाओ। अब दादी जी, मैं दिव्यम जी के साथ सब्जी लेके आ जाऊँ, राधिका दीदी घर पे रुक जाएंगे। हाँ वैसे सामान भी ज्यादा है, तुम तीनों ही चले जाओ। और दिव्यम, आप कोई सवाल जवाब नहीं। हाँ जाओ। सब्जी मंडी में ही कुछ ऐसा करना होगा कि राधिका वहीं बारिश में अटक जाए और मैं और दिव्यम जी घर आकर शांति से तीज मनाएं। राधिका, जो भी सब्जी लेनी है जल्दी से लो, बारिश का मौसम है और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली है, प्लीज। जी दिव्यम जी। ये क्या भैया, पालक में तो कीड़े लगे हुए हैं। अरे मैडम जी, मौसम ऐसा है, ऐसे मौसम में ऐसी सब्जी मिलेगी, ऊपर ऊपर कीड़े, अंदर सब सही है, ले जाओ। नहीं भैया, हम ऐसी सब्जी नहीं ले सकते, ये तो हमें पापा जी को खिलानी है, इनकी सेहत के साथ हम ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम कहीं और देख लेते हैं। दिव्यम जी, हम ना वहाँ जाके सब्जियाँ लेकर आते हैं, वहाँ की सब्जी ताजी लग रही है। दिव्यम जी, मम्मी जी ने कहा था कि प्याज और टमाटर लेने के लिए, मैं वो ले लेती हूँ। क्यों दीदी? जी ठीक है, हम आते हैं। दिव्यम जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पर्स लाना भूल गई, आप यहीं रुकेंगे प्लीज? ठीक है। राधिका कहाँ चली गई? दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, बहुत बारिश हो रही है। रानी, ये क्या कर रही हो तुम, बार बार छाता क्यों बीच में ला रही हो? अरे इतनी बारिश है, आप भीग जाओगे। नहीं चाहिए रानी मुझे छाता। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी बंध जाए इनके बीच कोई नहीं आ सकता, इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। दिव्यम जी, छतरी के नीचे आ जाइए, भीग जाएंगे। रानी एक काम करो, ये पकड़ो। अरे पकड़ो, तुम्हारे पास छाता है ना, तो इसे गाड़ी में रख दो, वरना ये सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी इस बारिश के पानी में। देख क्या रही हो रानी, जाओ। तुम खड़ी क्या हो, चलो। एक मिनट रुको, ये पकड़ो। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी बंध जाए इसमें जो भी बंध जाए संग, जैसे मोती का बंधन एक दूजे को कुछ अर्पण, सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे पिरोले प्रेम। दिव्यम जी, दिव्यम जी जल्दी चलिए, दादी इंतजार कर रही होंगी। हाँ रानी, एक काम करो, तुम पीछे बैठ जाओ, मैं और राधिका दोनों ही भीगे हुए हैं, ऐसा ना हो आगे और पीछे दोनों ही सीट्स भीग जाएं। तुम पीछे बैठो। एक सेकंड, मैं खोलता हूँ।
दिव्यम जी के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ती है राधिका। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।